सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पौधारोपण, आगंतुकों से किया फूलों के बजाय पौधे लाने का अनुरोध। धर्मनगरी हरिद्वार में हजारों टन कूड़ा छोड़ गए कांवड़ यात्री, हर तरफ फैली गंदगी। फिसलन भरी सड़क पर 3 घंटे चले ग्रामीण, बारिश में भीगती रही गर्भवती, सड़क पर हुआ प्रसव। 15 मिनट में पूरा होगा दून मसूरी का सफर, बनेगा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे। नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। बागेश्वर में राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का पुतला फूंका। बता दें कि भाजपा जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट के नेतृत्व में SBI तिराहे पर एकत्र हुए वक्ताओं का कहना है कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस नेताओं को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। इस तरह से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करी, कहीं ना कहीं चूंकि सरकार अपना काम कर रही है, हमारा सरकार का लक्ष्य था भ्रष्टाचारियों की जो स्थान है वो जेल में है, इसलिए सरकार अगर किसी ने बेईमानी करी है उससे पूछताछ निश्चित रूप से करेगी। अब आपकी राजमाता से पूछताछ हो रही तो आप क्यों इतना बौखला रहे हैं, और बौखलाहट में आप एक प्रतिष्ठित पद के लिए अनर्गल इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिसकी भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। और निश्चित रूप से जहां महिलाओं का अपमान इस देश में ऐसे जो भी पार्टी करेगी और पार्टी यहाँ की जनता उस पार्टी को करारा जवाब देगी, और भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ हमेशा मैदान में है और मैदान में। पौड़ी जनपद के श्रीनगर गढ़वाल में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया। बता दें कि बीते 3 दिनों से लगातार क्षेत्रों के फुटपाथों, सड़कों के किनारों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। तो वही प्रशासन की कार्रवाई का असर अब देखने को मिल रहा है। सालों से सड़कों पर अतिक्रमण कर चुके अतिक्रमणकारी खुद ही अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने में जुट गए हैं। 2-3 दिन पहले जो कार्रवाई शुरू करी गई तो लगातार 3 दिन हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया था, 1 दिन थोड़ा सा मेजर एक्सरसाइज करी, उसके बाद व्यापार संघ के कई लोगों से के साथ मुलाकात हुई, बैठक हुई, सबको समझाया गया कि आप ही के भलाई के लिए है। तो ज़्यादातर लोगों ने पॉजिटिव अपना एटीट्यूड दिखाते हुए खुद ही हटाना शुरू कर दिया और हटवा भी दिया। पौड़ी जनपद के चौबट्टा खाल में एक युवती से बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बता दें कि युवती ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही युवती ने युवक पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि पीड़ित युवती के परिजनों ने इस मामले पर SDM से कार्रवाई करने की मांग की है, साथ ही युवती के परिजनों ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर SDM सतपुली ने तहसीलदार को जाँच के निर्देश दे दिए है। और वो लड़का सुनील कुंडलिया है, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और धमकी दी ऊपर से कि मैं तुझे और तेरे परिवार को मार दूंगा। और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ग्राम गोली सा रखा हूँ सर, अपनी लड़की के लेके यहाँ तहसील पे, और मजदूर आदमी हूँ मैं सर, मेरे लड़की के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रखा है सर, और ये सुनील कुमार कुंडलिया द्वारका प्रसाद जी का लड़का और मेरी लड़की के साथ बुरा व्यवहार करके अब उसको धोखा देना चाह रहा है सर। उसने धमकी दे रखी मेरी लड़की को कि माता पिता के पास बोला तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तेरा पूरा परिवार को उड़ा दूंगा सर, और मेरे को इससे बहुत खतरा है, और अपनी यहाँ तहसील पे आ रखा हूँ सर, अब मैं उसके लिए उसका खिलाफ चल रहा हूँ सर। उसने शादी के लिए बोला, इसको फिसलाया मेरी लड़की को, अब इनकार कर रहा कि तू नीच घर से है, मैं नहीं रखूंगा अपने घर पे तेरे को। इसमें अभी अभी मुझे हाल ही में एक तहरीर प्राप्त हुई है जो मेरे क्षेत्र अंतर्गत है, तो इसमें एक नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें मैं नायब तहसीलदार लेवल से जांच करवा रहा हूँ, इसमें जो भी होगा आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो पूर्ण रूप से अमल में लाई जाएगी। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने 341 ग्राम चरस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इस दौरान मामले का खुलासा करते हुए शिव वंदना वर्मा ने बताया कि नशे की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ये जो अवैध पदार्थों की तस्करी हो रही है इसके खिलाफ बाजपुर पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए
एक मुखबिर की सूचना के आधार पर कल चेकिंग के दौरान बेरिया रोड से हमने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक तौफीक अहमद और दूसरा अजय, ये दोनों ही नमूना बरहनी के रहने वाले हैं और इनके द्वारा मोटरसाइकिल में लगभग 341 ग्राम चरस की खेप को ले जाया जा रहा था। तो इसमें इनकी चेकिंग के दौरान इसमें पकड़ा गया है और इनके द्वारा बताया गया है कि बरेली से ये लोग इसको लाते हैं और यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति को बेचते हैं। जो तीसरे व्यक्ति का नाम इसमें आ रहा है उसकी भी इसमें जांच पड़ताल की जा रही है, उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है वो भी देखा जा रहा है। बागेश्वर विकासखंड अंतर्गत रेखोली जूनियर हाई स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कक्षा 8वीं की 5-6 छात्राएं अचानक चिल्लाने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। इसके बाद आनन फानन में स्कूल के शिक्षकों ने इन छात्राओं को जैसे तैसे संभाला और अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर छात्राओं को घर भेजा गया। तो वहीं कुछ लोग इस घटना को मास हिस्टीरिया बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस तरह की घटनाएं पड़ोसी जिलों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली के सरकारी स्कूलों से भी सामने आ चुकी है। फिलहाल इस घटना के बाद से स्कूल में भय का माहौल बना हुआ है, तो वहीं शिक्षकों ने स्कूल के अन्य बच्चों को स्कूल आने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार।